अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेमवाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालक्षी था। एक समय हेमवाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। महात्मा का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेमवाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में ही निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी नहीं था। आध्यात्मिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवक से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेमवाली कितना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा उनकी क्रोध युक्त वचन को सुनकर उनके यक्षों ने कहा कि महाराज हेमवाली अत्यंत ही कामिक मनुष्य है, अतः वह अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचन को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेमवाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल व कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचन से कहा, रे पापिष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से